दोस्तों, एक मुस्लिम भाई को मक्का की सबसे पाक मस्जिद अल हरम में जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन लिखी हुई टी शर्ट पहनी हुई थी। ये घटना बताती है कि फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर सऊदी प्रशासन का रुख किस तरह का है। आगे तफसील से आपको ये खबर बताएंगे और फिर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बयानबाजी दिखाएंगे, जहां वे खुद कबूल करते हैं कि उन्होंने हमास से अपने बंधकों को लेकर समझौता करने की कोशिश की। हालांकि ये कितना सच है इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसराइल के खिलाफ नफरत और विरोध इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब 1000 से भी ज्यादा लेखकों ने इसराइली इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसे अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक बहिष्कार यानी कि कल्चरल बायकॉट कहा जा रहा है। पूरी खबर बताएंगे और आखिर में चर्चा मैकडॉनल्ड्स की बिक्री में मुसलमानों के बॉयकॉट से 4 वर्षों में आई सबसे बड़ी गिरावट की। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से लिखा करिए ताकि हमें हौसला मिले आपकी हौसला अफजाई से, आपकी तारीफों से अच्छे अच्छे मुद्दों पर वीडियोस लेकर आने का। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फिलिस्तीन के लोगों के साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है उसे देखने के बाद मुस्लिम देशों को, खास तौर पर सऊदी अरब को, उसका साथ देना चाहिए था, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। ये तो वो कर नहीं पा रहा है, उल्टा जो लोग फिलिस्तीन के लोगों का साथ दे रहे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको भी वो रोक रहा है, उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश कर रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मुस्लिम भाई जो कि मस्जिद अल हरम में, सिर्फ इसलिए प्रवेश उन्हें करने से रोक दिया गया, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि उन्होंने टी शर्ट पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, यानी कि उनकी टी शर्ट पर फिलिस्तीन का झंडा बना हुआ था और फिलिस्तीन लिखा हुआ था। यह घटना सऊदी प्रशासन के फिलिस्तीन के प्रति रुख को दर्शाती है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जब ये जगह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है तो ऐसे संदेश को सऊदी प्रशासन क्यों रोक रहा है? खुद अगर नहीं बोल सकता है तो दूसरों को क्यों बोलने नहीं दे रहा है, क्यों उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है? आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ उस भाई का जिन्हें रोका गया है। दोस्तों देखिए ये वीडियो। And this is the brother I was talking about, that we saw him being taken away by the security services. This was just before Salatul Asr today, on Saturday 26 October 2024, and we were doing our Sa'i. We were just near Safa, and this brother, what's your good name? Yeah. His name is Zain, he's from Glasgow in the United Kingdom, and you can see, mashallah, what he's wearing here, bravely, look at it, Philistine. You understand? Basically, we've just been to Yemen. We have just been to Yemen. Yemen, the people don't have food, they don't have money, they don't have resources. But wallah, they remember the people of Gaza literally every hour of the day. Now you've got money, you've got wealth, you've got oil. But to say the word Palestine, to wear this here is mamnoor in Saudi Arabia, in the UAE. Brothers, they can't control, they can take away the flags and the t-shirts, they can't control our tongues and hearts. Keep on talking about Palestine. So brother, tell us, what did that guy say to you, the security service? He never let him into Haram. Did he threaten you with anything? No, he just said, I'm not letting you. So basically, they're clever. They never created a fuss or a scene because they know that public opinions will turn against them. But they never let the brother into the Haram. The Quran says, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. These people, they are cowards. Wallahi, they are cowards. Our children are being butchered, killed. Women, children, men, old men. They tell them to go from A to B, from B to C, and then they bomb them. क्योंकि फिलिस्तीन वो जगह है जहाँ अलक्सा मस्जिद है, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान। लेकिन इसी फिलिस्तीन का नाम अगर आप सऊदी अरब में अपनी टी शर्ट पर पहन कर जाते हैं, फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म की आवाज उठाते हैं, तो आपको मस्जिद अल हरम में प्रवेश नहीं मिलेगा। सऊदी प्रशासन के इस कदम पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। और अब मैं आपको नेतन्याहू का एक और झूठ दिखाती हूँ। दोस्तों, इसराइल में नेतन्याहू का विरोध हो रहा है जिसकी तस्वीर भी मैंने, यानी कि द लाइव टीवी ने आपको लगातार दिखाई है और दिखा भी रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से हमास के पास जो बंधक है इसराइल के, उनको लेकर इसराइल के लोग नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, बंधकों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। और अब दोस्तों,
बढ़ते विरोध को देखते हुए नेतन्याहू ने एक और झूठ का रास्ता, झूठ का सहारा लिया है। इसराइली अखबार हारेट्स के मुताबिक इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा है कि उन्होंने बंधकों को लेने के लिए हमास के साथ समझौता करने की कोशिश की थी। हालांकि दोस्तों ये पूरी तरह से झूठ ही लगता है, क्योंकि हमास खुद युद्ध विराम की बात कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस पर राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें फिलिस्तीन में, गजा में, जबालिया में, लेबनान में मासूम लोगों का कत्ल करने में मजा आ रहा है। आपको क्या लगता है, बेंजामिन नेतन्याहू सच कह रहे हैं या झूठ? कमेंट में जरूर लिखिए। अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जो ना सिर्फ बेहद बड़ी है, बल्कि इसराइल का विरोध किस स्तर तक पहुंच गया है ये भी दर्शाती है। दोस्तों 1000 से भी ज्यादा ऑथर्स यानी कि लेखकों ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसे अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक बहिष्कार यानी कि कल्चरल बायकॉट कहा जा रहा है। इन लेखकों में नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले लेखक शामिल हैं। ये सभी मिलकर इसराइल के उन प्रकाशकों यानी कि इसराइली पब्लिशर्स का बहिष्कार, बॉयकॉट कर रहे हैं जो फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे अत्याचार में शामिल है। इन लेखकों में बहुत से नामी लेखक भी शामिल हैं जिनका मानना है कि इसराइली पब्लिशिंग हाउस फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और इस पर चुप्पे साधे हुए हैं। लेखकों का कहना है कि इसराइल के पब्लिशर्स फिलिस्तीनी लोगों के हक और जमीन छीनने की प्रक्रिया में सहयोगी बने हुए हैं। इस बहिष्कार का समर्थन करने वाले लेखकों का मानना है कि इसराइली पब्लिशिंग इंडस्ट्री फिलिस्तीनी लेखकों और विद्वानों पर हो रहे हमलों पर चुप्पी साधे हुए है। इस चुप्पी का मतलब है कि वो इन नीतियों का अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं जो फिलिस्तीनी स्कूलों, लाइब्रेरियों और विश्वविद्यालयों को नष्ट करने में लगी हैं। बयान में यह भी बताया गया है कि इसराइल में 98 पब्लिशर्स हैं, लेकिन इनमें से केवल एक पब्लिशर नवंबर बुक्स ने फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करते हुए निष्पक्षता दिखाई है। दोस्तों आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी समाज ने लगभग 20 साल पहले एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसमें लेखकों, शिक्षाविदों और ट्रेड यूनियनों ने इसराइली संस्थानों से दूरी बनाने की मांग की थी। लेखकों का कहना है अब कि इसराइल की नीतियां फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक नरसंहार को बढ़ावा देती हैं। दोस्तों ये बहिष्कार इसलिए खास है क्योंकि ये दिखाता है कि लेखकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का समूह भी इसराइल के खिलाफ अब हो रहा है और खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो ये दिखाने के लिए काफी है कि मुसलमानों की एकता कितनी जरूरी है और अगर ये एकता बनी रहे तो किसी को भी अपने आगे झुका सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान इसराइली और अमेरिकी कंपनी का बायकॉट किए हुए हैं। इस बायकॉट का असर ये हुआ कि मैकडॉनल्ड्स की बिक्री में 4 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, और अभी भी दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट जोर पकड़े जा रहा है। अब मैकडॉनल्ड्स का हाल क्या होगा ये दोस्तों आप सोच सकते हैं। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच मैकडॉनल्ड्स की वैश्विक बिक्री में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका एक कारण चीन में कमजोर उपभोक्ता खर्च है और दूसरा मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर है जिससे वैश्विक स्तर पर बॉयकॉट बढ़ा है। खासकर इसराइल के मैकडॉनल्ड्स द्वारा IOF यानी कि इसराइली सैनिकों को मुफ्त में भोजन देने का निर्णय भी कंपनी के खिलाफ विरोध की आग में घी डालने जैसा है। हाल ही में इसराइल में मैकडॉनल्ड्स ने IOF के सैनिकों को मुफ्त में भोजन देना शुरू किया। इसे इसराइल द्वारा मिडिल ईस्ट के निर्दोष नागरिकों, खासकर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ उठाए गए कदमों, उनका नरसंहार का समर्थन माना गया। इससे मैकडॉनल्ड्स के प्रति लोगों में आक्रोश और गुस्सा बढ़ गया और कई देशों ने इसका बायकॉट किया जिसने मैकडॉनल्ड्स को उसकी हैसियत दिखा दी। दोस्तों मैकडॉनल्ड्स का ये एक उदाहरण दिखाता है कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी विशेष पक्ष के साथ खड़ी होती है तो इसका असर उसकी बिक्री पर भी पड़ता है और भारी पड़ता है दोस्तों। और खासकर ये गिरावट ये दिखाती है कि अगर मुसलमान एक हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस यही कहना चाहती हूँ कि एक रहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, कोई रोके फिर भी आवाज उठाइए, एक ना एक दिन आपकी आवाज जरूर रंग लाएगी और अन्याय करने वाले और जुल्म करने वालों का खात्मा जरूर होगा।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं, खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। एक और बात कहना चाहती हूँ, आपको हमारी वीडियोस में एक बार कोड दिखता होगा जिससे आप हमारी छोटी छोटी मदद करते हैं, आपका तहे दिल से उस मदद के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी छोटी छोटी मदद इसी तरह से करते रहेंगे। खुदा हाफिज। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।